अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और एक बार फिर आ गई हूँ अपने अच्छे से व्लॉग के साथ। और आज जो है हम आए थे मोनाल रेस्टोरेंट। अच्छा, हमारी रात की फ़्लाइट थी तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि सुबह जल्दी निकल के एक दो जगह पे घूम घाम के फिर जाएंगे कराची। तो यहाँ हम आ गए थे दिनी दिन में। पहले हम म्यूज़ियम गए थे, फिर उसका व्लॉग भी आप लोगों ने देख लिया, फिर हम आ गए थे यहाँ पे। तो मोनाल रेस्टोरेंट में फ़र्स्ट टाइम आई थी, मुझे ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगा। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था, व्यू तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है यहाँ का। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की ये लगी कि जगह जगह पर ट्रॉलीस थी जिसमें बहुत ही कोई खूबसूरत हर कलर के फ्लावर्स थे। और हीटर्स भी लगे हुए थे यहाँ पे, जिसकी वजह से आपको ठंड का एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो सूप हमारा आ गया है और अब हम करेंगे अपना सूप एंजॉय, और आप एंजॉय करें ये प्यारा सा व्यू। वैसे कहते हैं कि सारे पैसे व्यू के ही हैं, और बाकी सारे पैसे जो होते हैं ना वो व्यू के ही होते हैं। और लोग ज़्यादातर यहाँ पे व्यू की वजह से ही आते हैं क्योंकि इतना कोई खूबसूरत नज़ारे हैं। आप लोगों ने खुद ही इस व्लॉग में देख लिया कि दिन में कैसा लगता है, दिन की रोशनी में कैसा लगता है और रात की रोशनी में कैसा लगता है यहाँ का। खैर, खाना जो है हमारा आ गया और हमने मंगवाया था बारबेक्यू जो कि बहुत ही टेस्टी था, और सैलेड मंगवाई थी और सूप तो हमने पहले ही पी लिया था। तो खाना मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो मेरे मियाँ जी हैं उनको यहाँ का खाना भी समझ में नहीं आया क्योंकि इनको ये कहते हैं कि कराची जैसा खाना कहीं पे भी नहीं मिलता। और बस अब हम यहाँ पे खाना खाएंगे अपना और फिर हम चले जाएंगे वापस। और अच्छा, हमने बुखारी राइस भी मंगवाए थे और ये बड़े टेस्टी थे, आलू बुखारी की चटनी के साथ सर्व करे थे। तो ये जो चीज़ें थी, जितनी भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी खाने की। और यहाँ जो हैं काफ़ी सारे गाने वाने भी हो रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, और जो भी गाना गा रहे थे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। और यहाँ जो है मेरे मियाँ जी पता नहीं कहाँ मसरूफ़ है, कहाँ देख रहे हैं, जब मैं मोबाइल अपना लेके जाऊँ वो इधर उधर देख रहे होते हैं। खैर, अब जो है हम जाएंगे वापस। जाते जाते हमने यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे से स्टॉल्स थे और बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी और बस वो देख रहे थे। और आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा। और 3-4 दिन के लिए मैं आई थी यहाँ पे और कोशिश मेरी थी कि अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाऊँ आप लोगों के लिए और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह कराची जाके अच्छे अच्छे से व्लॉग और बनाऊँगी, और अब जो भी व्लॉग आएगा वो कराची का होगा। आप लोग फिक्र मत करें, मैं भी बहुत थक गई हूँ ये पहाड़ वहाड़ दिखा दिखा के। बस अब जो है अब इंशाल्लाह कराची जाके अच्छे से व्लॉग बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर देगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।